माता पिताजी किसान ही काम करते थे और हम अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करते थे। खेती बाड़ी में भी प्रोडक्शन इतना निकल नहीं रहा था। भात शेती पर पूर्ण वर्षभर उधर निर्वाह करना जो खावा लगी भी किसी नहीं पहुंची हमें। Syngenta Foundation has started in India in 2005. The program has been designed with an objective to usher in prosperity among smallholder farmers. That's where we started the concept of agri-entrepreneurship, where we engage rural youth to become agri-entrepreneurs and help a set of 150 to 200 farmers improve their incomes. तर असं अचानक मला सिजंटा फाउंडेशन एक देवासारखे समोर राहून मुझे बोला गया कि आप एग्री एंटरप्रेन्योर बनोगे क्या। इसमें एक साथ में खाद बीज का दुकान को आपको लाइसेंस मिल जाएगा, नर्सरी के काम करेंगे और बैंकिंग सुविधा मिलेगा आपको। त्यांनी सांगितलं की आमच्याकडे असा असा एक प्रशिक्षण आहे, 45 दिवसाचा निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे। नहीं सिलेक्ट नहीं किया, आप तो नॉन मेट्रिक है। तो मैंने सर को बहुत रिक्वेस्ट किया, मेरे को जानना चाहिए कि इससे करके हम कमर्शियल फार्मिंग करेंगे। फिर वो लोग सिलेक्ट कर दिया, हमने वो 10th में एडमिशन भी कर दिया। आमचे घरच्यांनी म्हणजे सपोर्ट केला, महिला जर पुढे नाही गेली तर काहीच नाही असं म्हणजे, तर आम्ही मुलं सोडून आम्ही तिथे राहायला म्हणजे ट्रेनिंग घेतली। ट्रेनिंग में मैंने नए नए तकनीक को देखा, किसान को कैसे खाद यूरिया देना है, नर्सरी के काम कैसे करना है। सर लोग बताए कि अपना एक इमेज बनाओ गांव में कि तुम्हें कोई पहचाने, छोटू के नाम से नहीं पहचाने, शशि के नाम से पहचाने। पहला बार जब बिक्री हुआ तो मेरे आंसू भर आए थे, मुझे आज बोहनी हुआ है। अब नया टेक्निक से खेती कर रहे थे, रेगुलर क्रॉप में हमें 6 महीना टाइम लग जाता था, अब हम 3 महीना पे क्रॉप करना शुरू कर दिए। उत्पन्न चांगलं भेटलं ना, आनंदाने जीवन जगू राहिलो। आज आपलं वार्षिक उत्पन्न 7 ते 8 लाख रुपयापर्यंत होतं। खाण्यापिण्याचं कोणाला आता काही प्रॉब्लेम राहिला नाही, त्याच्यामुळे आम्ही त्यांचे आभारी। आता किसान हमारे यहाँ का बहुत खुश है, मेरे गाँव की पूरी हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। आज मुझे रोजगार है, आई एम प्राउडफुल। हमने दुकान में अभी तक 60 लाख का ट्रांजेक्शन किया हूँ, दुकान के बदौलत एक बाइक लिया हूँ। एक छोटा घर था हमारा, अभी तो एक बिल्डिंग बना चुके हूँ। इतना नीचे का आदमी का इतना ऊंचा में जो लोग पहुँचाई है, गांव लोग सब हमारे पर आभारी है। कभी जिंदगी भर भी हम लोग नहीं भूल पाएंगे। Therefore, what we need is to continue to excel with the top class program, to continue to work with the government agencies such as National Institute of Rural Development and the state governments, the private foundations such as the Tata Trust and the Rabobank Foundation, KUSA, who provide us the technology platform, and private agri businesses, and of course last but not the least, the NGOs who help us to work on the ground. And therefore this synergization of our energies is going to give us a much better result in the short to mid term.